ओके देखिए, हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं टैली में कंपनी किस तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं। टैली प्राइम में बेसिकली कंपनी कहाँ से क्रिएट करते हैं, शट कहाँ से करते हैं, अल्टर डिलीट वगैरह हमने सीख लिया था। इसके बाद लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था ओपनिंग कैसे चढ़ाते हैं, यानी कि टैली में जैसे ही आप कंपनी क्रिएट करते हैं, कंपनी क्रिएट करने के बाद सबसे पहला काम हमारा जो होता है वो है कंपनी क्रिएट कर लेना। और कंपनी क्रिएट करने के बाद उसके बाद हमारा जो अगला काम होना चाहिए वो होना चाहिए, अगर लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है तो उसकी ओपनिंग चढ़ाने हमें आनी चाहिए। तो ये हमने पढ़ा था कल तक के टॉपिक में। तो आज का जो प्रैक्टिकल है वो आपकी स्क्रीन पे है, तो आज हम लोग चलिए यही बैठे चलिए। प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। और इस प्रैक्टिकल में बेसिकली हमें नया क्या सीखना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी तो कल जैसी ओपनिंग ही है। जैसे लास्ट टाइम हमने ओपनिंग चढ़ाया था, फर्नीचर की ओपनिंग हमारे पास है 46,000, बिल्डिंग 1,25,000। तो ये सारी लास्ट ईयर की क्लोजिंग है जो इस साल हमें ओपनिंग चढ़ानी है। बस यहाँ पे जो नया है वो ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक क्रेडिटर की लिस्ट है और एक डेप्टर की लिस्ट है, राइट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पार्टी है विशाल ट्रेडर्स, ठीक है। अब विशाल ट्रेडर का सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि विशाल ट्रेडर ये कोई पार्टी है, तो या तो ये डेप्टर होंगे या तो ये क्रेडिटर होंगे। तो इनकी पहचान कैसे होगी कि ये डेप्टर है कि क्रेडिटर? तो सबसे पहली पहचान, अगर आपको आपके सामने बैलेंस शीट है तो आपके सामने दो कॉलम होंगे, एक होगा असेट और एक होगा लाइबिलिटी, राइट। तो अगर असेट और लाइबिलिटी दिया हुआ है तो याद कर लीजिए, अगर किसी पार्टी का बैलेंस असेट साइड में दिया हुआ है तो समझ लीजिएगा वो डेप्टर है, और अगर किसी पार्टी का बैलेंस क्रेडिट साइड में दिया हुआ है तो वो लाइबिलिटी है, सॉरी क्रेडिटर है। लाइबिलिटी साइड अगर दिया है तो वो क्रेडिटर है। लेकिन यहाँ पे हमें जो लेजर दिखाई दे रहे हैं वो डेबिट और क्रेडिट, यानी कि उनका बैलेंस जो है या तो वो डेबिट है और या तो वो क्रेडिट है। तो इससे कैसे पहचान करेंगे? तो विशाल ट्रेडर, इसका बैलेंस अगर क्रेडिट दिख रहा है आपको तो समझ लीजिएगा कि ये क्रेडिटर है। उसी तरह से ये विनायक एंटरप्राइजेस हैं, इनका बैलेंस हमें दिखाई दे रहा है डेबिट। तो अगर ये डेबिट बैलेंस है इनका तो इसका मतलब कि ये डेप्टर है। तो ये होगी सबसे पहली पहचान कि हम डेप्टर और क्रेडिटर को पहचानेंगे कैसे। दूसरी चीज जो हमें सीखनी है आज कि जब हम ओपनिंग चढ़ाएंगे तो ओपनिंग चढ़ाते समय हम देख रहे हैं कि विशाल ट्रेडर का 76,000 का बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब ये क्रेडिटर है। और क्रेडिटर होता कौन है? जिससे हम उधार में सामान खरीदे होते हैं और पैसा अभी तक उनको पेमेंट नहीं की होती है। तो इसका मतलब है कि विशाल ट्रेडर से लास्ट ईयर हमने 76,000 का सामान खरीदा है और उनको पेमेंट अभी तक नहीं की है, इसीलिए हमारी बुक में ये पार्टी क्रेडिटर शो कर रही है। दूसरी बात, अब 76,000 का सामान जो पिछले साल हमने इनसे खरीदा है तो वो एक बार में नहीं खरीदा है, वो कई बिल बने हुए हैं। जैसे अब यहाँ पे डिटेल देखते हैं हम लोग, तो ये क्रेडिटर की डिटेल आप देख रहे हैं, तो यहाँ विशाल ट्रेडर का नाम एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार आपको नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि लास्ट ईयर विशाल ट्रेडर से हमने चार बार सामान खरीदा है अलग अलग तारीख में। जैसे कि ये पहली बार जो हमने इनसे सामान खरीदा लास्ट ईयर वो 1 जनवरी 2018 को खरीदा, फिर हमने 2 जनवरी 2018 को खरीदा, फिर हमने 1 फरवरी 2018 को खरीदा, और फिर हमने 1 मार्च 2018 को खरीदा। तो यानी कि हमने इससे चार बार परचेज किया, और चार बार मतलब परचेज किए होंगे तो चार बार बिल बना होगा। और ये आपको दिख रहा है इनवॉइस नंबर, यानी बिल नंबर, जिस जिस इनवॉइस से हमने इनसे सामान खरीदा है। इसके बाद अगला कॉलम आप देख रहे हैं यहाँ पे है ड्यू डेट, यहाँ पे गलती से लिख गया है, ये ड्यू डेज है बेसिकली। अब ये ड्यू डेज क्या होता है? तो जैसे विशाल ट्रेडर से हमने जब सामान खरीदा होगा तो पार्टियां जो होती हैं वो ये कहती हैं कि भाई हमें 10 दिन के अंदर पेमेंट चाहिए, 15 दिन के अंदर हमें पेमेंट चाहिए, 20 दिन का समय देती है, इस तरह से। तो ये जो परचेज कर सेल करते समय जो पार्टी हमें समय देती है इसी को क्या बोलते हैं? ड्यू डेज, ठीक है। तो जैसे कि जब हमने विनय ट्रेडर से ये वाला सामान खरीदा इस बिल से, तो उन्होंने हमें समय दिया कितने दिन का? 10 दिन का। यानी 1 जनवरी को हमने इनसे सामान खरीदा था तो इन्होंने बोला कि भाई आपको 10 दिन का समय है, 10 दिन में आप पेमेंट करिए। यानी कि हमारी जो ड्यू डेट हो गई, ये ड्यू डेज है, तो यानी कि जो ड्यू डेट हो जाएगी तो 1 तारीख को अगर हमने सामान खरीदा तो 10 दिन के बाद 11 तारीख आ जाती है, यानी कि 11 तारीख हमारी ड्यू डेट मानी जाएगी, यानी कि 11 तारीख तक हमें पेमेंट कर देनी चाहिए थी, हालांकि हमने पेमेंट अभी तक नहीं की है। तो बेसिकली हमें आज ये सीखना है कि ये जो पार्टियां होती हैं इनका बैलेंस टैली में किस तरीके से चढ़ाया जाता है, राइट। तो आज हम लोग यही सीखेंगे कि पार्टी का बैलेंस टैली में किस तरीके से आपको चढ़ाना है। तो चलिए आज का प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट करते हैं 2018-19 में। तो चलते हैं अपने टैली पे, और सबसे पहला काम जब टैली पे आप टैली ओपन करते हैं तो आप देखते होंगे कि कई बार एक बाय डिफॉल्ट कंपनी आपके टैली पे लोड हो जाती है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए इस कंपनी को, क्योंकि हम इस कंपनी में तो काम करने वाले हैं नहीं, तो आपको इस कंपनी को शट कर देना चाहिए।
राइट। अब शट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल के साथ F3, तो कंट्रोल F3 प्रेस करेंगे और इस कंपनी को शट कर देंगे। ओके ओके, कंपनी जो पहले से ओपन थी उस कंपनी को हमने शट कर दिया। शट करने के बाद अब हमारा क्या काम होना चाहिए, अब हमें एक नई कंपनी बनानी चाहिए क्योंकि हमें जो काम करना है उसके लिए हमें एक कंपनी क्रिएट करनी है। ओके, तो हम लोग एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। हम लोग यहीं पे ऊपर आपको ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट कंपनी का, यहाँ पे जाएंगे क्रिएट कंपनी में, और ये हम लोग डे टू कर रहे हैं या टेस्ट टू कह सकते हैं, तो मैं यहाँ डे टू के नाम से ही कंपनी क्रिएट कर दे रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे ये सब इंफॉर्मेशन मैं नहीं भरता हूँ। और यहाँ पे जो आज हमें कंपनी क्रिएट करनी है वो करनी है, सबसे पहले यहाँ पे डेट पे हमेशा ख्याल रखा करिए, जैसे आज क्या लिखा हुआ, क्रिएट ए न्यू कंपनी, फाइनेंशियल ईयर क्या रखना है 18-19, तो हमें आज जो कंपनी बनानी है वो 1 अप्रैल 2018 में बनानी है, राइट। तो यहाँ पे डेट डाल लेते हैं 1 अप्रैल 2018। ओके, हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन का मैसेज आ रहा है, इसको फिलहाल मुझे कोई कॉन्फ़िगरेशन अभी हमें नहीं करनी है, तो इसको एस्केप करके बाहर कर लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग वन बाय वन सारे लेजर चढ़ा लेते हैं, तो हम लोग चलेंगे क्रिएट में, और यहाँ से हमें चढ़ाना है ओपनिंग, तो हम जाएंगे लेजर में, और यहाँ पे वन बाय वन हम लोग लेजर क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहला लेजर हमें क्रिएट करना है फर्नीचर का, तो यहाँ पे हम लोग फर्नीचर, अब फर्नीचर जो होता है वो होता है फिक्स एसेट, तो यहाँ पे हमें डालना है इसको फिक्स एसेट में, और नीचे आके हम लोग चढ़ाएंगे इसकी ओपनिंग, तो इसकी जो ओपनिंग है वो है 46,000। ओके, नेक्स्ट लेजर है हम लोग का वो है बिल्डिंग। बिल्डिंग, अब बिल्डिंग भी होता है हमारा क्या, फिक्स एसेट, तो इसको भी डालेंगे अंडर फिक्स एसेट, और इसकी जो ओपनिंग है वो है 1,25,000। ओके, नेक्स्ट लेजर है हमारा फिक्स डिपॉजिट एट ICICI, ओके, ये जो लेजर है ये जाएगा डिपॉजिट असेट में। और इसका जो बैलेंस है वो है 90,000। नेक्स्ट लेजर है हमारा लोन फ्रॉम SBI। अब लोन, अगर हम कहीं से लोन लेते हैं, खासकर अगर बैंक बैंक से लोन लेते हैं, तो वो जाता है सिक्योर्ड लोन में, तो इसको डालेंगे अंडर सिक्योर्ड लोन, और इसका जो बैलेंस है वो है 75,000। नेक्स्ट लेजर हमें चढ़ाना है विशाल ट्रेडर का। अब विशाल ट्रेडर यही हमें नया सीखना है आज, ठीक है। विशाल ट्रेडर पार्टी है, तो पार्टी का बिल हमें चढ़ाना होगा टैली में, तो किस तरीके से चढ़ाना है, तो विशाल ट्रेडर पहले तो यहाँ पार्टी का नाम लिख लेंगे। अब ये विशाल ट्रेडर का, यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको क्लियर करता हूँ, विशाल ट्रेडर का बैलेंस हमें दिखाई दे रहा है क्या, क्रेडिट, तो अगर ये क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब है कि ये क्रेडिटर है, तो यहाँ पे हम प्रेस करेंगे एस और ढूंढ लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। और यहाँ पे टैली में एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है, जब भी आप किसी पार्टी का लेजर बनाएंगे, यानी किसी लेजर का अंडर अगर आप क्रेडिटर या डेप्टर डालेंगे, तो आपको ये एक ऑप्शन दिखाई देगा टैली में, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। तो अभी हमने देखा कि जैसे ये जब विशाल ट्रेडर है, इसका हमें अलग अलग बिल चढ़ाना है, तो अगर आपको इसका अलग अलग बिल चढ़ाना है तो इस फीचर को आपको क्या रखना है, यस। बाकी नीचे आके इस पार्टी की ओपनिंग चढ़ा लेते हैं, तो इसकी जो ओपनिंग है वो है 76,000। ओके, अब जैसे ही आप एंटर प्रेस करके आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे एक विंडो आपको दिखाई देगी, और इसी विंडो में हमें भरना है पूरी डिटेल। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कुछ कॉलम दिए, इन कॉलम का मतलब समझ लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहला कॉलम आपको दिया हुआ है डेट का, यानी आपको यहाँ पे ये चढ़ाना है कि भाई इस पार्टी से आपने किस तारीख में सामान खरीदा। इसके बाद आपको यहाँ पे कॉलम दिख रहा है किसका, नेम का। नेम में ध्यान दीजिएगा, आपको पार्टी का नाम नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे लिखना है बिल नंबर, यानी आपने इस पार्टी से किस बिल से सामान खरीदा है।
और यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिख रहा है आपको ड्यू डेट और क्रेडिट डेज, या तो यहाँ पे डेट डालिए यानी कि तारीख लिखिए, और या फिर क्रेडिट डेज लिखिए। जैसे हमारे एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ड्यू डेज यानी क्रेडिट डेज दिया हुआ है 10 दिन, तो ये जो 10 दिन है वो हमें यहीं पे फिलअप करना है, और बाकी यहाँ पे हमें भरना है अमाउंट। तो वन बाय वन करके चढ़ाता है, जैसे विशाल ट्रेडर का यही बिल बिल है, तो इसकी जो पहली तारीख है वो 1 जनवरी 2018 है, तो 1 जनवरी 2018 यहाँ पे हमें भरना है बिल, बिल का नाम यानी कि ये जो इनवॉइस नंबर आप देख रहे हैं यही बिल का नाम है PUR005 1718। और यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट ये तारीख पकड़ लेता है डेट, और जो डेट आप यहाँ डालते हैं वही डेट वो यहाँ भी उठा लेता है। तो आपको बस यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे ड्यू डेज हमें दिया हुआ है कितना, 10 दिन, तो आपको भी यहाँ पे बस 10 टाइप कर देना है। तो जैसे ही आप 10 टाइप करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि 11 जनवरी की डेट आ गई, यानी कि 1 जनवरी को अगर बिल बना है 10 दिन का, अगर उस पर ड्यू डेज है यानी कि ये जो बिल है ये कब ड्यू होगा, 11 जनवरी को, यानी 11 जनवरी तक को आपको इसकी पेमेंट कर देनी चाहिए थी, हालांकि हमने अभी तक नहीं की है। और इसकी जो बिल की अमाउंट है वो है 20,000, तो वो 20,000 हमें यहाँ चढ़ा लेना है। तो ये हो गया पहला बिल। इसी तरीके से हमें इसका दूसरा बिल चढ़ा लेना जो कि 2 जनवरी को बना है, 2 जनवरी 2018, और बिल का जो नाम है वो है PUR023 1718। ओके, अब इसका ड्यू डेज चढ़ा लेते हैं 15 दिन, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 15, और बिल की जो अमाउंट है वो है 15,000, तो यहाँ पे हम डालेंगे 15,000। इसी तरीके से इन पार्टी का एक तीसरा बिल भी है जो कि 1 फरवरी 2018 को बना था, 1 फरवरी 2018, और बिल का नंबर है PUR321718। और इसका जो ड्यू डेज है वो है 20 दिन, तो यहाँ पे 20 दिन चढ़ा देंगे, और यहाँ पे अमाउंट है 20,000। इसका एक और बिल है 1 मार्च 2018 का, बिल नंबर चढ़ा लेते हैं PUR055 1718। और इसका जो ड्यू डेज है वो है 25 दिन, और ये जो बिल है वो 21,000 का है। तो यहाँ पे एक चीज हमने देखी कि चारों बिल जब आप चढ़ा लेंगे तो यहाँ पे नीचे देखिए हमने इस पार्टी का जो बैलेंस टोटल डाला था वो 76,000 डाला था, तो ये पूरे 76,000 की ये पूरी डिटेल है, तो यहाँ पे पूरा 76,000 हमने भर दिया है। बाकी अब और कोई इसका बिल पेंडिंग है नहीं, तो यहाँ पे एक बार और एंटर प्रेस करके हम लोग एक्सेप्ट करा देंगे, तो ये हमने विशाल ट्रेडर का बैलेंस चढ़ा लिया। इसी तरह से नेक्स्ट पार्टी जो है वो है आपकी विशाल ट्रेडर के बाद कृष्णा ट्रेडर्स। अब ये भी कौन है, ये भी हमारे क्रेडिटर ही है, तो इसका भी अंडर क्रेडिटर डालेंगे, और इसकी ओपनिंग चढ़ा लेते हैं, तो इसकी ओपनिंग है 45,000, और इसका भी यहाँ पे बिल डिटेल खुल के आ रहा है। तो यहाँ पे ये कृष्णा ट्रेडर के ये बिल है, पहला बिल है 1/12/2017, और बिल का जो नाम है वो है PUR852 1718। ओके, और ड्यू डेज यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो ड्यू डेज यहाँ पे दिया है 15 दिन का, और बिल है आपका 18,000। ओके, इसी तरह से इनका दूसरा बिल है वो है 31/12/2017 का, 31/12/2017, और जो बिल है वो PUR654 1718। और इसके जो ड्यू डेज है वो है 18 दिन का, और अमाउंट है 22,000। ओके, इसी तरीके से इनका तीसरा बिल है 1 जनवरी 2018, और इस बिल का है PUR754 1718, और ड्यू डेज है 20 दिन, और अमाउंट जो कि वो 5,000 है। तो ये हमारी दूसरी पार्टी का बैलेंस हमने चढ़ा लिया, कृष्णा ट्रेडर जिसका नाम था। इसके बाद हमें चढ़ाना आउटस्टैंडिंग सैलरी,
अब आउटस्टैंडिंग सैलरी के बारे में मैंने लास्ट टॉपिक में भी आपको बताया था कि जैसे इसका हमें ग्रुपिंग करनी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में इसको डालना है, और यहाँ पे अगर हम ओ प्रेस करते हैं तो आप यहाँ लिस्ट में देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नाम से कोई ग्रुप आपको बना बनाया रेडीमेड टैली नहीं दे रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अल्ट सी प्रेस करके एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ग्रुप क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग प्रेस करेंगे अल्ट सी और यहाँ पे एक ग्रुप बनाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये जो लेजर है ये जाएगा हमारा करंट लाइबिलिटी में। इट मींस कि आउटस्टैंडिंग सैलरी लास्ट ईयर का हमारा बकाया है। आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है बकाया, यानी जो एक्सपेंस की हमने पेमेंट अभी तक नहीं की होती है, और अमाउंट है इसकी 15,000। एक्सेप्ट करा देते हैं। इसी तरह से आपका एक और लेजर है आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से, आउटस्टैंडिंग रेंट। अब ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट है ये भी आउटस्टैंडिंग है, तो इसको भी हम डालेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में, और इसकी भी ओपनिंग चढ़ा लेते हैं। इसकी ओपनिंग है आपकी 6,000 रुपये। नेक्स्ट लेजर है आपका विनायक एंटरप्राइजेस। अब विनायक एंटरप्राइजेस के बारे में देखिए कि विनायक एंटरप्राइजेस का जो बैलेंस हमें दिखाई दे रहा है वो है डेबिट बैलेंस। अगर इसका ये पार्टी है और इस पार्टी का अगर डेबिट बैलेंस दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये सन्ड्री डेप्टर है, तो इसको हम लोग डालेंगे डेप्टर में। बाकी यहाँ पे नीचे इसकी ओपनिंग चढ़ाते हैं। इस पार्टी की जो ओपनिंग है 71,000 की है, 71,000। अब इसका भी बिल खुल के आएगा, तो इसका भी बिल आपको चढ़ा लेना। तो विनायक एंटरप्राइजेस का डिटेल यहाँ डेप्टर की लिस्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो पहला बिल इनका बना था 1/11/2017 में, ओके, और बिल संख्या थी सेल 565/17/18, सेल 18, और ड्यू डेज इनका दिया है 25 दिन का, यहाँ पे हम लगा लेंगे 25, और अमाउंट है 45,000। इसी तरह से इनका एक दूसरा बिल है 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018, और जो बिल है बिल का जो है वो है सेल 457/17/18, सेल 457/17-18, और ड्यू डेज है 30 दिन का, और अमाउंट 26,000 ही है। तो इनके दो ही बिल थे। अब विनायक के बाद आपका लेजर है साहिल एंटरप्राइजेस। साहिल प्राइजेस, अब साहिल एंटरप्राइज ये भी हमारे डेप्टर ही है, तो इसका भी अंडर जाएगा सन्ड्री डेप्टर, और यहाँ पे इसकी ओपनिंग चढ़ा लेते हैं। साहिल की ओपनिंग है 46,000, 46,000, और इसका भी बिल हमें चढ़ा लेना है। तो इसका बिल आपको दिखाई दे रहा है दिस वन, पहला बिल इनका बना था 1/12/2017 को, 1/12/2017, और बिल नंबर है सेल 785/17/18, और ड्यू डेज है 30 दिन, और अमाउंट है 16,000 की। इसी तरह से इनका जो दूसरा बिल है वो 31 जनवरी 2018 का है, 31 जनवरी 2018, और बिल संख्या है सेल 765/17/18, और ड्यू डेज है 30 दिन, और अमाउंट 30,000 की है। इनके दो ही बिल पेंडिंग थे। ओके, नेक्स्ट लेजर साहिल के बाद हमारा आता है प्रीपेड कमीशन। प्रीपेड कमीशन, अब प्रीपेड प्रीपेड किसको कहते हैं, तो प्रीपेड का मतलब है ऐसा एक्सपेंस जो आपने पहले ही पे कर दिया हो, ठीक है। तो जो एक्सपेंस आपने पहले ही पे कर दिया, इसका मतलब आपका पैसा जो है कहीं ना कहीं मार्केट में फंस गया है। तो जो पैसा हमारा मार्केट में होता है लेकिन हमारा होता है वो हमारा असेट होता है, तो इसको हम लोग बोल किस में डालेंगे, करंट असेट में, तो इसका अंडर जाएगा करंट असेट। और इसकी ओपनिंग की बात करें तो इस लेजर की ओपनिंग है 4,500, 4,500।
इसी तरह से एक और लेजर आप देख रहे हैं यहाँ पे, प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट। प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट, अब प्री रिसीव्ड, प्री का मतलब होता है पहले, रिसीव का मतलब मिल जाना, यानी कि ऐसा पैसा जो हमें समय से पहले ही मिल गया, राइट। तो जो पैसा हमें समय से पहले मिल जाता है, देखिए इससे पहले लेजर हमने बनाया था प्रीपेड कमीशन, यानी हमने समय से पहले पे कर दिया था, और यहाँ क्या है, समय से पहले आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो समय से जो पहले पैसा आपको प्राप्त हो जाता है वो आपके लिए होता है लाइबिलिटी, यानी करंट लाइबिलिटी में आपको इसको डालना है। और इस लेजर का जो अंडर है अमाउंट है वो है 1200 रुपये। इसके बाद आपका लेजर है लोन फ्रॉम अमित, लोन फ्रॉम अमित। अब ये आपका जो, ये एक तरह से लोन है लेकिन ये अनसिक्योर्ड है, क्योंकि किसी दोस्त या रिश्तेदार से लिया गया लोन है, और इसकी जो अमाउंट है आपकी वो है 58,000। नेक्स्ट लेजर है आपका जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, और ये लेजर जो जाता है वो जाता है अंडर रिजर्व एंड सरप्लस में। और इसकी ओपनिंग है 69,000। जनरल रिजर्व के बाद इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस शेयर, अब इन्वेस्टमेंट है यानी आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ, तो इसका जो अंडर जाएगा वो जाएगा इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हमें ढूंढ लेना है इन्वेस्टमेंट नाम का ग्रुप, और इसकी जो ओपनिंग है वो है 95,000। नेक्स्ट लेजर है आपका कैश, अब कैश टैली में पहले से बना रहता है तो इसको हम लोग अल्टर में जाके बाद में चढ़ा लेंगे। नेक्स्ट लेजर है आपका एसबीआई, तो यहाँ पे एसबीआई का लेजर बना लेते हैं। अब एसबीआई में हमारा बैंक अकाउंट है तो इसका अंडर जाएगा बैंक अकाउंट, यहाँ पे अमाउंट चढ़ा लेते हैं 1,60,000। एसबीआई के बाद आपका लेजर है बिल्स पेबल, बिल्स पेबल। अब बिल्स पेबल हमारे लिए लाइबिलिटी होता है, यानी बिल्स पेबल का मतलब मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। बिल्स पेबल का मतलब कि जैसे कोई मान लीजिए पार्टी है, पार्टी आप पार्टी को वादा कर देते हैं, यानी लिखित रिटर्न में आपने प्रॉमिस किया हुआ है कि ये पैसा जो है इस तारीख तक हम रिटर्न कर देंगे, यानी 10 दिन के अंदर मैं लौटाने का वादा करता हूँ। तो ऐसे ही जो डॉक्यूमेंट होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, बिल्स पेबल। तो अगर ये आपके लिए पेबल है तो यानी कि लाइबिलिटी है, और अगर आपको ये रिसीवेबल होगा यानी ये पैसा मिलने वाला होगा तो आपके लिए असेट होगा। तो फिलहाल ये करंट लाइबिलिटी है। अब इसकी जो ओपनिंग है वो है 42,000 की। अब नेक्स्ट नेक्स्ट इसके नीचे देखिए बिल रिसीवेबल भी है आपका, बिल्स रिसीवेबल। अब ये पैसा हमें मिलने वाला है, तो मिलने वाला है तो इसका मतलब ये हमारा असेट है, तो इसको हम लोग डालेंगे करंट असेट में। और यहाँ पे इसकी जो ओपनिंग है वो है 46,000 की। नेक्स्ट लेजर है आपका कैपिटल है। अब कैपिटल के बारे में देखिए कोई बैलेंस नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बैलेंस अमाउंट। बैलेंस अमाउंट का मतलब जो बच जाएगा वो आपका कैपिटल माना जाएगा। तो इसकी ओपनिंग चढ़ाने से पहले हमें कैश की ओपनिंग चढ़ा लेनी चाहिए। तो यहाँ से हम लोग बाहर निकलेंगे, ठीक, और कैश की और प्रॉफिट एंड लॉस की ओपनिंग चढ़ाने के लिए हमें जाना होता है अल्टर में। तो हम यहाँ से जाएंगे अल्टर में, फिर लेजर में, और यहाँ पे हम लोग ढूंढ लेंगे पहले कैश, और कैश की ओपनिंग चढ़ा लेते हैं। तो कैश की जो ओपनिंग थी आपकी वो थी 72,000 रुपये, तो यहाँ पे 72,000। अब हमें एक चीज देख लेना है कि प्रॉफिट एंड लॉस हमें दिया हुआ था कि नहीं दिया हुआ था। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर नहीं दिया हुआ है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस की कोई ओपनिंग यहाँ पे नहीं दिख रही, कैपिटल में इंक्लूडेड है इसका मतलब। तो यहाँ से अब बाहर निकलेंगे एक बार, और दोबारा आपको जाना है क्रिएट में। अब देखिए कैपिटल वाला जो पैसा है, ठीक है, वो जो बच गया अमाउंट वही कैपिटल है। तो लेजर में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखाई देगा, ठीक है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3,68,300 का। यही जो डिफरेंस अमाउंट है यही आपका कैपिटल की अमाउंट है। तो यहाँ पे एक नया लेजर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं कैपिटल, और इसका अंडर जाएगा कैपिटल अकाउंट के, और इसकी जो ओपनिंग हमें चढ़ा लेनी है वो यही जो डिफरेंस आ रहा है 3,68,300, 3,68,300,
और इस पूरे प्रैक्टिकल का अगर आप आंसर कहें तो अंत में अगर आपका कैपिटल का बैलेंस इतना आ जाता है 368,300, तो इसका मतलब आपने ओपनिंग बिल्कुल सही सही चढ़ाई है। बाकी सारा काम कंप्लीट करने के बाद एक बार आप बैलेंस शीट देख लीजिए, तो ये आपकी बैलेंस शीट है। इसको डिटेल में देखने के लिए शॉर्टकट की होती है अल्ट के साथ F1, तो अल्ट F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल। अब मैंने आपको उस दिन भी समझाया था कि जो बैलेंस शीट होती है वो हमेशा इक्वल होती है, चाहे आप कोई भी लेजर का कोई भी अमाउंट चढ़ा लेके हमेशा बराबर आएगा। तो इसको देख के कभी ये फैसला मत करिए कि आपने बैलेंस शीट बिल्कुल सही चढ़ाई है। बैलेंस शीट सही चढ़ी है इस चीज को आप कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे ना तो असेट साइड में और ना ही लाइबिलिटी साइड में कोई डिफरेंस आना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पे लिख के आने लगता है डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस, अगर ये लाइन आपकी लिख के आ रही है तो इसका मतलब आपने बैलेंस शीट की जो ओपनिंग है वो सही से नहीं चढ़ाई है, कोई ना कोई अमाउंट आपने मिस कर दी है। ओके, तो ये है प्रैक्टिकल का बैलेंस शीट जो आप देख रहे हैं, तो सारा ओपनिंग हमारा बिल्कुल सही चढ़ा है क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिफरेंस आपको शो नहीं कर रहा है। ओके हेलो,